देखिए, पश्चिमी बंगाल से जो परिस्थितियां हैं ममता जी संभल नहीं रही हैं, और तुष्टीकरण के कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश है, विद्रोह है, और कहीं ना कहीं पूरे शिक्षा जगत, पहले बंगाल की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय और रविनाथ टैगोर द्वारा स्थापित सारे शिक्षण संस्थान, कलकत्ता की तो बड़ी पहचान थी एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, और शिक्षा का भी स्तर खराब खत्म हो गया। अब बोलो ममता जी को एक लीड दे दी, अब इससे खराब स्तर और क्या हो सकता है। इंडस्ट्री सारी बंद है, लगभग 6,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ बंद पड़ी हुई, तो जो कलकत्ता की पहचान है वो खत्म हो गई। फिर जो संस्कार और संस्कृति है, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, ये पहचान है, पर ममता जी मुहर्रम आ जाती तो उसी में बैन लगा देती, कोई प्रतिबंधित कर देती कि उनके विसर्जन नहीं होगा। ये तुष्टिकरण से बंगाल कहीं ना कहीं विकृत हो रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार की इस गतिविधियों के खिलाफ हर वर्ग, छात्रों में ही नहीं, सब में आक्रोश है। सिलीगुड़ी में 9 साल की बालिका के साथ बलात्कार हो गया, और संरक्षण दे रहे हैं वहाँ TMC के नेता, पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। तो ये सारी परिस्थितियाँ जिसके कारण बंगाल में काफ़ी आक्रोश है। सर, दीपक बावरिया जी ने कल एक बड़ा विवादित बयान दिया है, उनका कहना है कि 2018 में नर्मदा में BJP की अस्थियाँ विसर्जित होंगी चुनाव में, तो सर अब देखिए, इस प्रकार के हल्के फुल्के बयान से कुछ होता नहीं। प्रजातंत्र में जनता जनार्दन जिसकी चाहती है उसकी हस्ती विसर्जित कर देती है, तो डेमोक्रेसी इस देश के अंदर पता लग जाएगा कि 2018 में किसकी हस्तियाँ विसर्जित होती है। सर, कल के प्रदर्शन में सज्जन वर्मा जी ने नगर निगम के अधिकारियों को कुत्ते से उनकी तुलना की है, तो सर आप किस तरह? अब मैं न वो नेता इस लायक है कि उनके ऊपर कुछ कमेंट्स करूँ, न बयान उनका इस लायक है कि उसके ऊपर कुछ कमेंट्स करूँ। मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में आदमी कभी भी कुछ भी बोल सकता है, इसलिए सब दया के पात्र हैं बेचारे। सर, एक आखिरी बात की किम जोंग जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, उनसे तुलना भी की गई है नगर निगम के अधिकारियों की। आप जब महापौर थे तब भी काफ़ी विकास हुआ, तब भी नंदानगर और कई सारे इलाकों में तोड़फोड़ हुई, लेकिन वैसा रवैया अधिकारियों का नहीं देखा गया जैसा अभी देखा जा रहा है वर्तमान में। अधिकारी मारपीट पर उतारू होते हैं, कई बार उनके तथाकथित गुंडे भी लोगों के साथ मारपीट करते हैं, तो सर कितना सही या गलत आप देखते हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि लोकल बॉडीज़ में महापौर और पार्षद ये जनता के प्रतिनिधि हैं, मैं समझता हूँ ये इग्नोर नहीं होना चाहिए। अधिकारी कोई भी हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि महापौर की सुने, पार्षद की सुने। दुर्भाग्य से शायद आपस में क्लेश है, मैं समझता हूँ कि इसकी चिंता करनी चाहिए। घर वापसी, कांग्रेस में हंगामा हो रहा है, घर वापसी को लेकर, वापसी को लेकर क्या हो रहा है कांग्रेस में? जो चर्चा चल रही है, बावरे जी जैसा कह रहे हैं कि जो लोग चले गए BJP में, चले गए थे उनको वापसी, घर वापसी जिस तरह से BJP से वापस कांग्रेस में, जो मुसलमान बन जाते हैं उनकी घर वापसी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संघ कराते हैं, उसी तरह से कांग्रेस के लोग जो घर बैठ गए उनकी घर वापसी। देखिए, ऐसा है कि साधारणतः कोई भी उस घर में जाता है जिस घर में सुख हो, शांति हो, विकास हो, और उस घर का कोई भविष्य हो। जहाँ भविष्य नहीं, विकास नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, वहाँ कौन जाएगा? और इसलिए वो सपना देखें, और सपना देखने से कोई नहीं रोक सकता। मुंगेरी लाल इस नाम से जाने जाते हैं। सर, शिवसेना भी बोल रही है कि BJP से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, तो TDP भी मन बना रही है ऐसा? मेरे ख्याल से कि आने वाले चुनाव में सब पता लग जाएगा सबको, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई शिवसेना बाहर जाएगी या समर्थन वापस लेगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि TDP अलग होगा।